इंसाफ मिला, देश के बच्चियों को इंसाफ मिला, और जो लोग 7 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे हमारे मीडिया भाई बहन हैं, हमारी बच्चियां हैं, पूरे समाज के लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, अपने सिस्टम को भी धन्यवाद देती हूँ, देश से ही सही, लेकिन एक बच्ची को कल का निकलने वाला इतिहास में एक लिखा जाएगा कि ये 20 मार्च का दिन हमारे निर्भया के नाम, हमारे देश के बच्चियों के नाम, हमारे देश के महिलाओं के नाम, और मैं अपने सिस्टम को, अपने को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज निर्भया को इंसाफ मिला, हमारे देश के बच्चियों को इंसाफ मिला। मैं अपने महामहिम राष्ट्रपति जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, अपने अदालतों को इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जिस तरह से ढीले टैक्टिक्स करके एक एक याचिका आई, उसी तरह हमारे अदालतों ने इस एक एक याचिका को खारिज किया, फाइनली आज निर्भया को इंसाफ मिला। मैं सबको, पूरे देश के बच्चियों को, महिलाओं को, पुरुषों को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आज इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में खड़ी हूँ, लेकिन आज पूरे समाज के लोग, मीडिया के लोग हमारे साथ खड़े हैं। फाइनली मैं अपने दोनों वकीलों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि हम साल भर से हम लोग इस पटियाला कोर्ट में इसको अपील करके लड़ रहे थे, एक एक दिन में हम कई कई बार दोनों कोर्टों में गए हैं, तो मैं इन दोनों जने को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जितेंद्र सर जहाँ हैं, सीमा कुशवाहा हैं, इन दोनों जने ने जी जान लगा के मेहनत किया, हमारा साथ दिया, वकील के साथ साथ इन्होंने अपना काम किया, और हमें आश्वस्त भी किया कि नहीं, हम शांत रहें, ध्यान रखें, हमें इंसाफ मिलेगा, और फाइनली आज इंसाफ मिलेगा। अरे सुन लो हमारी बात, इसमें एक चीज ऐसा इन लोगों ने उंगली पे गिनती करके बता दिया कि बद्री जी आप शांत रहो, इतने दिन में इनकी फांसी होगी, इससे पहले होगी नहीं, और होगी तो दो चार दिन आगे पीछे होगा, और वही आज हुआ, फांसी पर लटकाए जाएंगे। बहुत तसल्ली है, फाइनली आज हमारे देश के बच्चों को, निर्भय को इंसाफ मिला, हम सबको इंसाफ मिला। जिस तरह से 2012 में घटना हुई, पूरा देश शर्मसार हुआ था, आज पूरे देश को इंसाफ मिला। मैं पूरे देश के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। की बच्चियों को इंसाफ मिला है, क्या कहना है? आज का दिन, आज का सूरज हमारे देश के बच्चियों के नाम, हमारे देश के बच्चियों के नाम, महिलाओं के नाम। एक बात आप कहना चाह रहे थे, एक जो इतना लगातार डिले हुआ है वो नहीं।